मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी, अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी, विपिन कुमार जैन, रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जिबराज गांधी, फल्टनकर, घाटकोपर मुंबई एवं परिवार, अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी, इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीरा बाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणेय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बासलीवाल, धर्मपत्नी श्री कल्याण मलजी बासलीवाल, पुत्र धर्मचंद बासलीवाल, कमल कुमार बासलीवाल, अजीत कुमार बासलीवाल, असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी, डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में हमने क्या पढ़ा था? बहिरंग परिग्रह दो प्रकार का, एक सजीव और एक अजीव। सजीव परिग्रह अपना परिवार या गाय भैंस आदि, अजीव परिग्रह मकान, पैसा आदि। एक दूसरा पढ़ा था हमने अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह अर्थात कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और नो कषाय, अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह के बारे में अच्छी तरह बताया था। अब प्रश्न यहाँ ये आ रहा है, इस परिग्रह में हिंसा क्यों मानी है? उसके लिए आचार्य आज एक बड़ा सुंदर श्लोक दे रहे हैं, देखें। हिंसा पर्यायत्वात् सिद्धा हिंसांतरंग संगेषु बहिरंगेषु तु नियतम् प्रयातु मूर्छैव हिंसात्वम्। हिंसा पर्यायत्वात् अर्थात अंतरंग और बहिरंग परिग्रह ये दोनों, इनमें हिंसा का पर्यायपना होने से, ये हिंसा की ही पर्याय है, इसलिए सिद्धा सिद्ध है हिंसा अंतरंग संगेषु, अंतरंग परिग्रहों में। इन्होंने पहले ये बताया बहिरंग परिग्रह हो या अंतरंग परिग्रह हो, हिंसा दोनों में है। कैसे? तो बता रहे हैं, अंतरंग संगेषु अंतरंग परिग्रहों में हिंसा तो सिद्ध है। क्यों? हिंसा के पर्याय होने से। अंतरंग परिग्रह माने, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, पहले हमने बताया था मिथ्यात्व, 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 प्रकार की नौ कषाय, 13 प्रकार की कषायें, 9 नौ कषाय, 4 कषाय और 1 मिथ्यात्व, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। क्या कह रहे हैं आचार्य? अंतरंग परिग्रह में तो हिंसा सिद्ध है। क्यों? क्योंकि अंतरंग परिग्रह या कषाय और मिथ्यात्व रूप परिणाम हिंसा के पर्याय ही हैं। इनमें हिंसा का पर्यायपना होने से अंतरंग परिग्रहों में हिंसा सिद्ध है। अब आई बहिरंग परिग्रह की बात। बहिरंगेषु तु नियतम् और बहिरंग परिग्रह में निश्चय से
मूर्छा एव हिंसात्वं प्रयातु, मूर्छा ही हिंसापने को प्राप्त होती है। बहिरंग परिग्रह में मूर्छा है, अगर मूर्छा है, मूर्छा का नाम तो हिंसा है ही, और मूर्छा नहीं तो बहिरंग परिग्रह क्यों? इसलिए कह रहे हैं बहिरंगे सुत नियतम, बहिरंग परिग्रहों में तो निश्चय से, बहिरंग परिग्रह तो मूर्छा है ही, और मूर्छा है तो हिंसा है ही, इसलिए बहिरंग परिग्रहों में तो निश्चय से मूर्छा एव मूर्छा ही, मूर्छा माने ममत्व परिणाम ही हिंसात्वं प्रयातु, हिंसापने को प्राप्त होती है। बहिरंग परिग्रह में मूर्छा है, इसलिए मूर्छा होने से हिंसा है, और अंतरंग परिग्रह जो कषाय है वो तो हिंसा की पर्याय है ही, इसलिए बहिरंग परिग्रह हो या अंतरंग परिग्रह हो दोनों में हिंसा है ही। गुरु जी, सबसे ज़्यादा परिग्रह तो चक्रवर्ती के होता है, तो क्या उसकी सबसे ज़्यादा हिंसा होगी? इसमें कोई शक नहीं। क्या लिखा है उन्होंने, छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, अर छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहुत तेरी। वास्तव में जितनी संपत्ति चक्रवर्ती के पास है उतनी संपत्ति किसी के पास नहीं होती। 6 खंड का राजा है, कोड़ी 18 घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतनी संपत्ति का स्वामी है, तो मूर्छा है, परिग्रह है, हाँ परिग्रह है, लेकिन परिग्रह है पर मूर्छा कितनी है और क्या है, ये इस पर आधारित है, इस पर डिपेंड करता है कि वे चक्रवर्ती जो है ना, वो चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। अगर चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है, आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा ना कि वे भरत चक्रवर्ती के पास कोई एक महानुभाव गए थे, उन्होंने कहा था महाराज आपका तो इतना परिग्रह है, इतने परिग्रह से आप अलिप्त कैसे रहते होंगे, हमने तो सुना है आप छायिक सम्यक दृष्टि हैं। चक्रवर्ती महाराज ने क्या किया, एक लवालब भर के, एक कटोरा तेल से लवालब भर के दिया जला के उनसे कहा इसको हाथ में रखो और इसको लेके मेरे पूरे महल में मेरी रानियों को देखो और मेरे महल की सुंदरता देख के आओ। वो गए, सारा राउंड लगाया, लौट के आए, चक्रवर्ती ने पूछा मेरा महल रानियाँ कैसी हैं? उन्होंने कहा महाराज महल रानियों को नहीं देखा, मैं तो ये देखता रहा कि इसमें से एक बूंद तेल गिर गया तो आपने कहा था फांसी की सजा हो जाएगी, तो मैं तो इस डर के मारे इसी में लगा रहा, और मेरे समझ में भी आ गया आप चक्रवर्ती तो हैं लेकिन आप अपने धर्म को नहीं छोड़ते। उन्होंने लिखा है देखो, बीज राख फल भोग वे जो किसान जग माही। किसान क्या करता है, अपने सारे बीज को बेच देगा लेकिन बीज को रख लेगा, गेहूं वेहूँ सब बेच दिए लेकिन बीज को बचा के रखेगा। त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म बिसारे नाही। उसी तरह चक्रवर्ती राजा सुख तो भोगता है धर्म को नहीं छोड़ता, भोगता तो है लेकिन आसक्ति रहित तो होके भोगता है। उन्होंने कहा ना गेही पै गृह में न रचे, उसके मूर्छा तो है लेकिन मूर्छा होने के बावजूद भी बहुत थोड़ी है, हल्की है। पद्म पुराण में आचार्य भीषण महाराज ने लिखा है जितने भी राजा और जितने भी सेठ होते हैं वे नियम से नरक को जाते हैं, नियम से लिखा, यदि वे अपने अंतिम समय में संयम धारण न करें तो। क्या मतलब, अगर परिग्रह में उलझे हैं तो उलझे उलझे मरण को प्राप्त होंगे, और सुलझे हैं तो अपने बच्चों को अपनी संपत्ति देके स्वयं दीक्षा लेके सुलझ जाएंगे। उसी तरह जो चक्रवर्ती उलझा हुआ है, कषायों से लिप्त है, भोगों में डूबा हुआ है, शुभम चक्रवर्ती हो, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हो, नरक गए,
और जो चक्रवर्ती सुलझे हुए हैं नरक जाने का क्या काम, मोक्ष और स्वर्ग जाते हैं। इसलिए चक्रवर्ती के परिग्रह है, परिग्रह हिंसा में कारण है, पर जितनी मूर्छा उतना परिग्रह होता है। पंडित जी, केवली भगवान के भी तो समुसरण है, तो क्या उनके भी परिग्रह है? केवली भगवान के परिग्रह तो है, पर ममत्व परिणाम, राग परिणाम, रंच मात्र नहीं। समवशरण होना अलग बात है, परिग्रह होना अलग बात है। भगवान का समवशरण से क्या लेना देना, वो तो समवशरण की रचना इंद्र करता है, भगवान तो उसके बीच में बिल्कुल अलिप्त बैठे हैं, छुपते नहीं, चार उंगल ऊपर रहते हैं स्वर्ण कमल से भी। राग कहाँ होता है, मूर्छा कहाँ होती है, जहाँ मोहिनी कर्म हो। जब मोहिनी कर्म का नाश हो गया, दोनों दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का क्षय हो गया, अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, अब उन केवली भगवान के मूर्छा का क्या काम, रंच मात्र भी लगाव नहीं होता। और वह समवशरण उनका नहीं, उनका उनसे लगाव का प्रश्न ही नहीं, वो तो कुबेर ने रचा है। इसलिए अरहंत भगवान के मोहिनी कर्म का नष्ट हो जाने से समवशरण में नहीं, किसी वस्तु में अपनी पुरानी रानियों से, अपनी नगरी से, अपने जन्म स्थान से, माता पिता से रंच मात्र भी राग नहीं होता। राग तो मोहिनी कर्म के कारण होता है, मोहिनी कर्म नहीं तो राग द्वेष कुछ भी नहीं। पंडित जी, अंतरंग परिग्रह को जीव थोड़ी मारे जा रहे हैं, तो फिर उसमें हिंसा कैसे हुई? पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ में अमृतचंद स्वामी ने पहले ही कह दिया, उन्होंने कहा, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसयितत्। आत्मा के परिणामों की हिंसा जिसमें होती है वे सब हिंसा हैं। और उन्होंने क्या लिखा था पहले, अनृत वचनादि केवल मुदाहृतम शिष्य बोधाय। झूठ बोलने में हिंसा है, चोरी करने में हिंसा है, कुशील में हिंसा है, परिग्रह में हिंसा है, ये तो उदाहरण है। वास्तव में हिंसा क्या है, अगर अंतरंग परिग्रह है कषाय, अंतरंग परिग्रह है मिथ्या, तो असली हिंसा तो वो ही है। बहिरंग परिग्रह हिंसा में कब आएगा, बहिरंग परिग्रह में जब मूर्छा होगी, और मूर्छा का मतलब यह मेरा है ऐसे परिणाम का होना, और ऐसा परिणाम है तो राग है, राग है आत्मा का वैभाविक परिणमन, हिंसा है। क्या लिखा इन्होंने, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्, आत्मा के परिणामों की हिंसा में कारण होने से। अंतरंग परिग्रह कषाय मिथ्या तरणो कषाय, क्या ये आत्मा के शुद्ध परिणामों की हिंसा नहीं करते, इन्हीं के कारण तो आत्मा में अशुद्धि है, ये हटे और आत्मा शुद्ध हुई। इसलिए जब तक अंतरंग परिग्रह है तब तक हिंसा है, क्योंकि आत्मा के विकारी भावों की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए अंतरंग परिग्रह हिंसा है। पंडित जी, फिर तो ये इसका ये मतलब हुआ कि फिर तो हमारे 24 घंटों में हिंसा ही हिंसा है। हाँ, इसमें शक भी क्या है, 24 घंटे हिंसा है। हम एक समय मात्र के लिए कषायों से या बहिरंग परिग्रह से दूर हैं कहाँ, बिल्कुल दूर नहीं। मान लो जीव एक शरीर को, मनुष्य के शरीर को छोड़ के देव पर्याय में जा रहा है, हमने माना क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य और भांड सब यहीं रखे रह गए, लेकिन मूर्छा ही परिग्रह है, मूर्छा तो लगी है, और जहाँ मूर्छा है वहाँ परिग्रह है। इसलिए हमारे 24 घंटे हिंसा है, बिल्कुल 24 घंटे आत्मा के परिणामों की हिंसा है, बिल्कुल है। हमारी आत्मा कभी भी मिथ्या तौर कषाय रूप परिणामों से दूर नहीं हो रही है, इसलिए हिंसा है 24 घंटे। गुरुजी, फिर अहिंसक किसको मानेंगे? आप सब महानुभावों ने गुणस्थान पढ़े हैं, आप खुद सोचो आत्मा के साथ कषायें कब तक हैं। हमने माना जब मुनि महाराज शुद्धोपयोग में आते हैं उस समय बहिरंग परिग्रहों से उनका संबंध नहीं रहता, मूर्छा नहीं रहती, लेकिन अभी कषायें तो आत्मा के साथ हैं।
और कषाय के उदय में आत्मा में कषाय रूप परिणाम भी तो हो रहे हैं, तो अंतरंग हिंसा तो है। हाँ, अंतरंग हिंसा है, अंतरंग परिग्रह, तो अंतरंग हिंसा तो है। तब कब बनेंगे अहिंसक? हिंसा कब छूटेगी? हिंसा जब छूटेगी, जब मोह हट जाएगा। दसवें गुण स्थान के अंत में मोहनी कर्म समाप्त हुआ, लोभ भी हटा, और मोहनी कर्म के समाप्त होने से अब जो जीव बारहवें गुण स्थान में पहुँचे हैं, क्षीण मोह गुण स्थान में, उनके अब ना तो मिथ्यात्व है, ना कषाये हैं, ना नोकषाये हैं। बहिरंग परिग्रह पहले छूट ही गया, तो जब समस्त परिग्रहों से रहित हो गया, अब हिंसा का कोई काम नहीं। इसलिए अहिंसक कौन बनते हैं? बारहवें गुणस्थान से आगे के प्राणी अहिंसक हैं। ग्यारहवें गुणस्थान वर्ती जो जीव हैं, जिनका मोहनी कर्म उपशम हो गया है, वे भी अंतर मुहूर्त के लिए अहिंसक पूर्ण अहिंसा को प्राप्त हो जाते हैं। पुरुषार्थ सिद्ध उपायकार का ये कहना है। और पूर्ण अहिंसा तो छपक श्रेणी में बारहवें गुणस्थान में आए, मिथ्यात्व का नाश हुआ, पूर्ण अहिंसक हैं, अब हिंसा का कोई काम नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ, ममत्व परिणाम सम्मे है, तो हिंसा भी सम्मे समान लगनी चाहिए। आचार्य कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं। जितनी ममता उतनी कषाय की तीव्रता, उतनी हिंसा ज्यादा। देखें अगला श्लोक देखें। एवं न विशेषस्या दुन्दुरुरिपुहरिण शावकादीनां नैवं भवति विशेषस् तेषां मूर्छा विशेषेण। एवं इस प्रकार तो न विशेषः स्यात्, विशेषता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब परिग्रह सबके पास है, और परिग्रह सबके पास, मूर्छा सबके पास, हिंसा सबकी समान। क्या ऐसा मान लिया जाए? आचार्य कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? तो कह रहे हैं एवं इस प्रकार न विशेषस्यात्, विशेषता नहीं होनी चाहिए। किसमें? उंदुरु रिपु। उंदुरु माने चूहा, और रिपु माने चूहे की शत्रु माने बिल्ली। बिल्ली में और हरण के बच्चे आदि में प्रश्नकर्ता पूछ रहा है भगवान, हे आचार्य देव, आपने ये कहा परिग्रह है तो मूर्छा है, तो परिग्रह सबके पास है, आत्मा के परिणामों में हिंसा सबके मौजूद है, चूहे की शत्रु बिल्ली है, और हिरण का बच्चा है, इन दोनों में भी है, तो दोनों की हिंसा क्या समान मानी जाएगी? इनमें विशेषता नहीं होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं नैवम, ऐसा नहीं है। भवति विशेषः, इन दोनों की हिंसा में विशेषता है, चूहे की शत्रु बिल्ली में और हिरण के बच्चे में विशेषता है। क्यों? तेषाम, उनके मूर्छा विशेषेण, ममत्व परिणाम की विशेषता होने से। कैसे ममत्व परिणाम की विशेषता? अर्थात बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है, तब कोई डंडा मारे तो भी नहीं छोड़ती, मर जाए लेकिन चूहे को छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन हिरण का जो बच्चा है, जरा सी आहट मिले, घास खा रहा है, घास छोड़ के भाग जाता है। क्यों? घास खाने में उसके लगाव कम है, और बिल्ली चूहे को मारने में जो बिल्ली लगी है उसके लगाव बहुत है। हम भी पहले पढ़ते थे, जैसे किसी मटके में चने भरे हैं, एक बंदर ने उसमें हाथ डाला, अब उसने अपनी मुट्ठी में चना भर लिया। अब हाथ निकाल रहा है तो मुट्ठी में चने भरे हैं, तो हाथ नहीं निकल पा रहा। सामने आदमी डंडा मार रहा है, छोड़ के भग जाए, लेकिन नहीं, चने को नहीं छोड़ेगा, डंडा खाता रहेगा। क्यों? मूर्छा अलग अलग प्रकार की है। तो यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार तो विशेषता नहीं होनी चाहिए,
उंदरू माने चूहे के, शत्रु माने बिल्ली में, और हिरण के बच्चे आदि में, अर्थात इनके समान हिंसा होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं नैवम, न एवं इस प्रकार नहीं है, अर्थात बिल्ली और हिरण के बच्चे इन दोनों में हिंसा अलग प्रकार की, ममत्व तो अलग प्रकार का, राग अलग प्रकार का, इसलिए नैवम ऐसा नहीं है। विशेषः भवति, उन दोनों की ममता में विशेषता है। तेषां उनके कारण मूर्छा विशेषेण, बिल्ली में मूर्छा बहुत है इसलिए राग बहुत, ममता बहुत, हिंसा बहुत, और हिरण के बच्चे में राग कम, ममत्व कम, लगाव कम, इसलिए हिंसा भी कम। इसलिए हिरण के बच्चे और बिल्ली इन दोनों में हिंसा में, राग में, ममत्व में अंतर है। फिर देखें एक बार, इस प्रकार तो विशेषता नहीं होनी चाहिए, चूहे के शत्रु माने बिल्ली और हरण के बच्चे आदिकों में। प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, उत्तर दिया आचार्य ने, नैवम ऐसा नहीं है। तेषाम उनके मूर्छा की विशेषता होने से उनके मूर्छा में विशेषता होती है, इसलिए हिंसा में भी विशेषता है। पंडित जी, फिर तो जितना परिग्रह ज़्यादा उतनी हिंसा ज़्यादा, फिर तो ऐसा मानना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, जितनी मूर्छा ज़्यादा उतना परिग्रह ज़्यादा, उतनी हिंसा ज़्यादा। चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती है, परिग्रह बहुत है, मूर्छा नहीं, सब अलग, मैं अलग, मेरा कोई न था ना आज है, उनके उदय से सामग्री मिली है, मेरी कुछ नहीं, ममत्व नहीं, हिंसा भी नहीं। ये मत बोलो कि परिग्रह ज़्यादा तो हिंसा ज़्यादा, बजाय इसके ये बोलो जितना ममत्व ज़्यादा उतनी मूर्छा ज़्यादा, उतनी हिंसा ज़्यादा। पंडित जी, मुनि महाराज और हमारे भोजन में कुछ अंतर है? बहुत अंतर। मुनि महाराज हाथ में आहार लेने के बाद पहले अच्छी तरह उसका खूब निरीक्षण करते हैं, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। और हम क्या करते हैं, हमारे भोजन में अगर कोई बाल निकल आए तो बाल निकाल के भी भोजन कर लेते हैं। उनके राग कम, हमारे राग ज़्यादा। वो बोलते नहीं, जो अंजलि में आया चुपचाप खा लिया और पेट में पहुंच गया। हम बोलते रहते हैं, थोड़ा नमक और डालो, थोड़ा नींबू और मिलाओ। हमारा ममत्व ज़्यादा, हमारे हिंसा ज़्यादा। भोजन एक, करने वाले दो। मुनि महाराज, उनके लिए भोजन निर्जरा का कारण, ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं तन पोषते। और हमारा भोजन हम लेते हैं तन पोषते, शरीर पोषण के लिए। हमारा भोजन हिंसा का कारण, उनका भोजन निर्जरा का कारण, हमारा हिंसा का कारण। परिणाम में अंतर क्या है, वो निर्ममत्व है, उन्हें ममता नहीं, हम बड़ी ममता से, राग से भोजन करते हैं। गुरु जी, फिर तो अवक्ष खाने में और भी ज़्यादा हिंसा माननी पड़ेगी। वो तो माननी नहीं पड़ेगी, है ही, वो तो है ही। आपने सुन लिया कि दाल और दही मिलाकर खाने से महान जीव हिंसा होती है, और सुनने के बाद भी जो खाते हैं मूर्छा विशेष होने थे, उनकी विशेष हिंसा होती है। त्याग एक बार नहीं जाने वो बात अलग, और जान लेने के बाद भी खाएं, इसका मतलब लगाव बहुत है, रसना इंद्री डिमांड कर रही है, दही बड़ा चाहिए, और दही बड़ा खाने में अच्छा मानते हो, तो क्या होगा, महान राग, महान ममत्व परिणाम, और हिंसा भी बहुत। इसलिए शास्त्रों में एक बार सुन ले, ये वस्तु अवक्ष है, तुरंत छोड़ दे। आप सबको भी यही करना चाहिए। शास्त्रों में सुना, सुनते ही तुरंत छोड़ दिया, इसको छोड़ दो, अवक्ष भक्षण क्यों करें, नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के अहिंसा के प्रकरण को सुन के बदलाव नहीं आया तो कब आएगा, सोचिए। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी, जयपुर।
श्री पार्श्वनाथ रीरोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर एक वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन, रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह बारामती, श्री चंदूलाल जिबराज गांधी फलटनकर घाटकोपर मुंबई एवं परिवार, अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी, इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीरा बाग, नई दिल्ली, नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, मोहिनी देवी बासलीवाल, धर्मपत्नी श्री कल्याण मलजी बासलीवाल, पुत्र धर्मचंद बासलीवाल, कमल कुमार बासलीवाल, अजीत कुमार बासलीवाल, असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर, श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी, डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र,